हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारे चैनल पे आया है कि रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया जिसमें बताया हुआ है कि आपका एग्जाम जो होगा वो कौन से सेंटर पे, कौन से स्टेट में होगा। स्टेट वाइज जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसा करके एक PDF जारी हुआ है और जो बहुत सारे चैनलों पर वायरल हो रहा है, बहुत सारे चैनलों पर आप लोग शेयर भी कर रहे हो कि आपको लगता है कि चलो भाई हमारा एग्जाम इस सेंटर में होगा। और एक न्यूज शायद कल या परसों की है जिसमें ये बताया गया कि भैया ग्रुप डी से पहले टेक्नीशियन और ALP का एग्जाम होगा। और भी इससे पहले बहुत सारी जो ऐसी न्यूज है, आर्टिकल है, वो सब आपको देखने मिलते हैं। अभी सुबह ही मैंने देखा था कि रेलवे जल्द ही कराएगा एग्जाम, देखिए किस स्थिति को होगा आपका एग्जाम। अब इसका मतलब क्या है? वीडियो जब चलाया जाता है तो आगे पता चलता है कि किसी न्यूज पेपर का आर्टिकल होता है, वो भी न्यूज पेपर PDF में होता है, पता नहीं कौन से स्टेट का होता है, उसका एक आर्टिकल जूम कर दिया जाता है और उसमें पढ़ के सुना दिया जाता है कि भैया ये न्यूज पेपर वाले ने बोला है। भाई वो तो बात ठीक है, जब तक आपको ओरिजिनल चीज नहीं पता है, रेलवे ऑफिशियल नोटिस नहीं देता है, तब तक आप ऐसे अफवाह फैला के क्या पाओगे? लोगों के मन में जो दोस्त जो देखते हैं यूट्यूब का वीडियो, उनको धीरे धीरे उनका जो इसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, जो इसके ऊपर एक था कि भैया ये एक रियल न्यूज मिलती है यूट्यूब से, अगर कुछ ऐसा होता है तो यूट्यूब पे देख लिया जाए, उससे अच्छी न्यूज मिलती है, लेकिन आज के टाइम में इसके ऊपर से विश्वास उठ रहा है सबका। तो इसमें जो घाटा है वो हमारे जैसे लोगों का है कि अगर कभी हम कुछ सच भी बताते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, और इसी की भेंट हम लोग भी चढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना लाजिम समझा कि आपको बता दिया जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है। देखो, कभी भी रेलवे जब भी कोई बड़ी चीज होगी वो आपको नोटिस के द्वारा ही बताएगा, रेलवे की वेबसाइट पर नोटिस आता है। अगर उससे भी बड़ी चीज़ है, उससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं पता चलता, आप किसी दूर के गांव में, तो आपके फोन में मैसेज जरूर जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड लाइव हो चुका है, उसको डाउनलोड करो। अब इससे ज़्यादा सोशली रेलवे आपके लिए क्या करेगा? एक तो आपके फ़ोन पर मैसेज देता है, ईमेल पर मैसेज देता है, प्लस में आप उनके हर सप्ताह या हर रोज आप उनका वेबसाइट खोल सकते हो, RRB का जो कि रिक्रूटमेंट वाला वेबसाइट होता है, उसको खोल के आप वहाँ से नोटिस वगैरह पढ़ सकते हो। जो ये यूट्यूब पर जो थोड़े मोड़े जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा लेते हैं या कुछ भी अपना दिमाग में सोच लेते हैं कि आज हमें इस तरीके से ऐसा ऐसा करना है और तहलका मचाना है मार्केट में, बच्चों में भ्रम भेजना है कि भैया इस दिन को एग्जाम होगा, आ गई एग्जाम डेट, आज है एग्जाम, कल है एग्जाम, ऐसे ऐसे झूठ झूठ खबर फैला के बच्चों के भी मन में भ्रम फैला देते हैं और अपने आराम से बैठे होते हैं। और हमारे जैसे लोगों के कमेंट के वीडियो आप देख लो, वीडियो के कमेंट में आप लोग इतने क्वेश्चन पूछते हो, इतने तो देखते भी नहीं हो जितने आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हो, देखते कहीं और हो, क्वेश्चन कहीं और से लाते हो, आंसर मुझसे करते हो, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आपने जहाँ पे वीडियो देखा है वहाँ पे प्रश्न करो, आपको आंसर मिलेगा। जब वो प्रश्न ही सही नहीं होगा तो उसका आंसर कहाँ से मिलेगा? जो वीडियोस वो डालते हैं उसका कोई आंसर ही नहीं है, उनका सोर्स क्या है उनको खुद ही नहीं पता। सोर्स यही है कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल देखा और उठा के चेप मारा। अभी आज का जो मैं बताऊंगा वो है सेंटर वाला। अब सेंटर से लेना देना क्या है? मान लीजिए कि अभी RPF का है, RPF का ग्रुप ए में किसी ने भरा है, तो उसका उड़ीसा, चेन्नई या SER में कहीं भी होगा, उससे लेना देना कुछ नहीं है कि सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता है तो इससे आपका कोई भी लाभ हानि नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम व्यर्थ होगा, आपको सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा और थोड़ा बहुत आपको टेंशन भी होगी कि यार यहाँ एग्जाम होगा और इतने तारीख होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये तो बेकार की बात है। अगर आपके हाथ में एक प्रिंट में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, उसमें एक स्टेट लिखा होता है, एक तारीख लिखी होती है, आपका स्कूल का नाम लिखा होता है कि इस स्कूल में एग्जाम होगा, तब आपको टेंशन लेना चाहिए कि भैया अब हमारे हाथ में एडमिट कार्ड आ गया है और अब एग्जाम होगा। ये नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी वायरल वीडियो देख लिया और उसको आप लोग भी शेयर करने में कम नहीं रहते, उसको आगे भी बढ़ा देते हो कि भैया ये सही बता रहा है, जबकि वो बिल्कुल सही नहीं होता है। तो ऐसी वीडियोस का आप साथ मत दीजिए, अगर साथ देंगे तो आपका ही घाटा है, क्योंकि इन्हीं के बीच में कोई सच भी बताता है और वो सच इस झूठ के भेंट चढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि जो 2-3 न्यूज बहुत तेजी से वायरल होती है रेलवे के रिगार्डिंग, इनको आप सच मत समझिए जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आता है कि सेंटर कहाँ है, ALP का एग्जाम पहले होगा कि ग्रुप डी का होगा। अभी एक और बताता हूँ, याद है 12 अगस्त वाला, 12 अगस्त वाले से लेकर जितने क्वेश्चन आए अभी तक का सबसे ज्यादा कमेंट 12 अगस्त वाले का ही आया है कि 12 अगस्त को रेलवे का भी एग्जाम है और 12 अगस्त को राजस्थान LDC का एग्जाम है। इसके बारे में भी थोड़ा समझता हूँ कि क्या हुआ था। जब रेलवे ने फॉर्म फिल करवाया था तो रेलवे को ये नहीं पता था कि हमारे पास इतने आवेदन आ जाएंगे, रेलवे ने उस समय अनुमानित बता दिया था कि हम 12 अगस्त तक आपका एग्जाम ले लेंगे।
वो उस टाइम बोला था, और उस टाइम एक नोटिस में भी शायद उसने बोला था कि हम 12 अगस्त तक एग्जाम ले लेंगे, ऐसा उसने बोला था। अब इतने सारे आवेदन आ गए, और जो राजस्थान एलडीसी का था एग्जाम, वो 12 अगस्त को कंफर्म है, वो तो होगा। अभी क्या है, न्यूज़पेपर था जो कि राजस्थान का था, उसके मन में क्या आया क्या नहीं आया, इन लोगों के मन में पूरा बात आता रहता है। उन्होंने सोचा कि 12 अगस्त को एलडीसी का एग्जाम है और 12 अगस्त को रेलवे ने बोला था, तो इन दोनों डेटों को हम एक कर देते हैं और एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, जिससे कि फिर से तहलका मच जाएगा। अब जब ये खबर न्यूज़पेपर में छप गई तो यूट्यूब वालों की तो निकल पड़ी, उन्होंने वहां से ये आर्टिकल उठाया और फिर पूरे यूट्यूब पे चिपका दिया, ये लो वो लो, 12 अगस्त को एग्जाम है, दोनों एग्जाम एक दिन होगा तो बच्चों का नुकसान होगा, फलाना फलाना। लेकिन ये नहीं सोचा कि 12 अगस्त रेलवे ने कुछ टाइम बोला था, ये फॉर्म फिल होने के बाद रेलवे ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है कि भैया एग्जाम कब होगा, तो आप लोग अपने मन से कैसे कह सकते हो। तो अभी ये जो 12 अगस्त वाला था ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रेलवे ने कुछ कहा ही नहीं है, तो आप लोग अपने मन से कुछ मत सोचिए। और ऐसे आर्टिकल्स, क्योंकि रेलवे का जब जॉब नहीं आया था, जब पोस्टें नहीं निकली थी, उससे पहले भी आपको पता है कि एक साल से न्यूज़पेपर में बहुत सारी झूठी खबरें आई कि रेलवे के पास इतनी पोस्टें हैं, रेलवे इतने महीने में निकालेगा, ऐसे निकालेगा वैसे निकालेगा, लेकिन कोई भी सच नहीं था। सिर्फ एक न्यूज़पेपर जो कि ऑफिशियली न्यूज़पेपर भी बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, जो कि बंगाल का एक न्यूज़पेपर था, उसका नाम नहीं पता मेरे को, उस पर न्यूज़ छपी थी कि भैया रेलवे का अप्लाई होना चालू हो जाएगा, कल से 10 बजे इसका लिंक खुल जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर सही था। इसी तरीके से आज भी जो न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं वो सब की सब तो गलत नहीं है, उसमें से कोई एक ना एक न्यूज़पेपर सही होगा। वो कब होगा, जब रेलवे ऑफिशियली नोटिस देता है, उसके बाद जब किसी न्यूज़पेपर में छपेगा तब वो इन्फॉर्मेशन सही होगी। उससे पहले की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप सच मत मानिए और उस पर ध्यान मत दीजिए, जितना ध्यान देंगे आपका ही घाटा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और जिनके मन में क्वेश्चन है उनको तो जरूर शेयर करना कि क्या रेलवे का एग्जाम 12 अगस्त को होगा, क्या सेंटर वाली वीडियो सही है, क्या KLP का एग्जाम पहले होगा। जो भी आपसे पूछते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।